ज़ेक अफरीदी जो कि बीबी शीरी गाना जो मशहूर हुआ था उसमें इन्होंने एक्टिंग की है, इनका गाना है जी। आजकल एक गाने की शूटिंग के हवाले से हुंजा में मौजूद है, आए इनसे हम बात करते हैं। सर आप हुंजा में 4-5 दिनों से हैं, तो आपको हुंजा के हवाले से आपको कैसा लग रहा है यहाँ के नेचुरल जो ब्यूटी है इसके हवाले से आप कुछ बताएंगे? नेचुरल ब्यूटी की तो कोई बात ही नहीं है, लाजवाब है, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है। और ये वाकई स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है, ये पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड अगर कहलाया जाए तो ये मुनासिब होगा। और तो मौसम अभी ठंडा हो रहा है और लोग इनके माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, खुश अखलाक हैं, तरबियत याफ्त हैं। सर आप आटम के सीज़न में आए हैं तो दरख्तों में मुख्तलिफ कलर है, इस सॉन्ग के साथ कोई रिलेट करता है इस टाइम के साथ? आप आए के लिए ही आए हैं कि यहाँ पे पत्ते इनके कलर्स ये हैं, तो ये वीडियोस में काफ़ी अच्छे आएंगे इनके कलर्स। तो इसी वीडियो में हम है तो पश्तो का सॉन्ग है, इसमें हम हुंजा का और गिलगित बल्तिस्तान का कल्चर भी थोड़ा सा प्रमोट करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरी कैप है, ये कल्चरल कैप है, तो साथ साथ इसको लेके जाएंगे। सर ये गिलगित बल्तिस्तान और हम केपीके या हमारे पश्तो जो म्यूज़िक है उसमें रुबाब है, गिटार है, ये कॉमन है, तो इसका कोई रिलेट करता है इस हवाले से आप कुछ कहेंगे? तो ये तो कल्चरली थोड़ा बहुत मिलते हैं, जैसे म्यूज़िकली तो मिलते ही हैं, क्योंकि रबाब यहाँ पर भी ज़्यादा गिलगित में, बल्तिस्तान में और हुंजा में लोग प्ले करते हैं, बहुत अच्छा प्ले करते हैं, और पेशावर में भी और खैबर पुश्तूनख्वा में, तो बस एक ही तरह का है, सिर्फ रिदम का फ़र्क है, जहाँ पे यहाँ का एक यूनिक टाइप रिदम है और इसका एक इंस्ट्रूमेंट है, तो उसकी अपनी यूनिकनेस और अपनी खूबसूरती है। सर गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के लिए, जो आपके फैंस हैं उनके लिए कोई मैसेज? मेरी तरफ से बहुत बहुत मोहब्बत आप सब के लिए, और इसी तरह खुश रहें, मुस्कुराते रहें और कामयाब रहें। सर हम आपको बहुत पसंद करते हैं आपकी सॉन्ग स्पेशली, तो बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।